बोल भारत माता की, भारत माता की। आपकी ये भावनाएं, आपका ये उत्साह, आपका ये जोश मैं भली भांति समझ रहा हूं। आज एक ऐसी पल है, आओ हम सब भारत के पराक्रमी वीरों को नमन करें, सर झुका करके नमन करें। आज चूरू की धरती से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान में और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक सभा को संबोधित किया राजस्थान के चुरू में। चुरू वही इलाका है जो चुरू, झुंझुनू और सीकर, ये तीन जिले हैं राजस्थान के, जहां से भारत की सेना में बड़ी तादाद में सैनिक आते हैं। और अगर पूर्व सैनिकों की बात की जाए तो इन्हीं तीन जिलों में भारत के सबसे ज्यादा पूर्व सैनिक बास करते हैं, निवास करते हैं। आज नरेंद्र मोदी ने वहां एक सभा को संबोधित किया और लोगों को लग रहा था कि वो इस पूरे एयर स्ट्राइक के ऊपर जो आज हुआ है, जिसकी उम्मीद उस दिन से लोगों ने लगा रखी थी जब 14 फरवरी को भारत मां का 40 सपूत बलिदान हो गए थे एक कायराना आतंकी हमले में, जिसका मास्टरमाइंड था जैसे मोहम्मद यानी कि मसूद अजहर, और मसूद अजहर के साले को कोई उसको जीजा बता रहा है, जो भी है उसको आज मौत के घाट उतार दिया भारत की वायुसेना ने। लोगों को लग रहा था कि नरेंद्र मोदी इसके ऊपर कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने बोला जरूर पर इशारों में। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं इसी चुरू की धरती पर 2014 में आया था और मैंने आप लोगों से एक वायदा किया था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। साल 2014 में विजय शंखनाद युवा संगम के दौरान मैंने मेरे दिल की बात आप सबके सामने रखी थी। मैं 2014 की बात कर रहा हूं और मेरी आत्मा कहती है आज का दिवस उसे फिर से दोहराने का दिवस है। और चुरू की धरती से मैं देशवासियों को फिर से एक बार 2014 के मेरे इन शब्दों को, मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है,
मेरा वचन है भारत माँ को। उन्होंने इस कविता के माध्यम से साफ कर दिया कि मैंने आपसे जो वायदा किया था, देश की अस्मिता, देश के सम्मान में कोई आंच नहीं आने दूंगा। और फिर उन्होंने कहा कि आज आपको जिस तरीके से आपके अंदर जोश है, हालांकि वो जोश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो जीत की एक खुशी किसी योद्धा के चेहरे पर होती है, आज उनके चेहरे पर स्पष्ट लग रही है। उसके साथ साथ उस भीड़ में जितने भी लोग हैं, आज वो जोश से, एक जीत के जोश से लवरेज है, उसी का इशारा उन्होंने किया कि आज आपके लिए एक विशेष दिन है, आज का दिन ऐतिहासिक है। और आज का दिन ऐतिहासिक इसलिए भी है कि इस वीरों की धरती चुरू में आप लोगों को समाचार मिल चुका है कि आज भारत की सेना ने आपके विश्वास पर खरे उतर कर एक मिसाल कायम की है। उन्होंने नाम न लेते हुए, स्पष्ट न करते हुए भी कहा कि अब तक 70 सालों में जो नहीं हुआ, आज वो हो गया है। और वो ये था कि भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के सरकार के संरक्षण में चलने वाले आतंकी कैंपों को नष्ट करने का एक पावन कृत्य आज किया है, आज के मंगलवार के दिन एक मंगल कार्य किया है। इसको मोदी जी ने बिना शब्दों के जिस तरीके से आज कह दिया, पूरे राजस्थान की जितनी भी जनता वहां थी, उसके जयकारों से, भारत माता के उद्घोषों से स्पष्ट तौर से समझा जा सकता है कि बिना शब्दों के किसी बात को कैसे कहा जा सकता है। पिछले दिनों में, पिछले एक डेढ़ हफ्ते से जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां इस पूरे मामले को लेकर नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही थी, उनकी छाती का नाप ले रही थी, और कई टीवी चैनल तो बार बार ये पूछ रहे थे कि बदला कब लिया जाएगा, आज एयरफोर्स के कमांडर धनोवा साहब ने कहा है कि इसकी योजना हम लोगों ने 20 और 21 फरवरी को बना ली थी। हमने भी आपसे कहा था कि सेना की जो कार्रवाई होती है उसके कई सारे आयाम होते हैं, कई सारी टैक्टिक्स होती हैं, और सबसे बड़ी टैक्टिक्स जो मानी जाती है वो होती है चकमा, यानी कि शत्रु को अप्रत्याशित कर देना, शत्रु को आश्चर्यचकित कर देना। और वही आज भारत की एयरफोर्स ने किया, जिस तरीके से उन्होंने ग्वालियर से विमानों को उड़ाकर और पाकिस्तान में उनसे अटैक कराया, पाकिस्तान देखता रह गया, पाकिस्तान सोता रह गया, हमारी सेना वहां से काम करके लौट आई। और उसकी सबसे बड़ी एक और विशेषता यह रही कि हमें कहीं भी खरोंच तक हमारे किसी विमान पर नहीं आई, हालांकि पाकिस्तान की वायुसेना ने F-16 उड़ाकर कोशिश जरूर की थी, लेकिन वो जानते थे कि मिराज विमान को पकड़ना या उसके ऊपर हमला करना इतना आसान नहीं है। और इस बार एक और खासियत रही, जैसा कि सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे हुआ था, कि हमारे ही देश के कुछ पाकिस्तान परस्त नेताओं ने उसके सबूत मांगे थे, लेकिन इस बार इसके सबूत सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने दिए थे तो पाकिस्तानी आर्मी के एक मेजर जनरल ने 4:15 लिख दिया था कि भारतीय वायुसेना के मिराज हमारी सेना में घुस आए हैं, LOC उन्होंने क्रॉस की है। इसका सीधा मतलब था कि अब भारत से भी सबूत मांगने की हिम्मत किसी गद्दार में नहीं होगी। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा।
सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हमें देशवासियों, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है, न भटकेंगे न अटकेंगे, कुछ भी हो हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। यही वजह है कि आज नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में इतनी बड़ी उपलब्धि होते हुए भी इसका जिक्र तो किया, लेकिन बगैर किसी लाग लपेट के, उसका नाम लिए बगैर, इसकी आज उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। और उनके विरोधियों को भी यह पता चल गया है कि यह व्यक्ति किस मिट्टी का बना हुआ है। फिर से उसी बात पे आज की बात खत्म करते हैं कि हमें पूरा विश्वास है कि हमारा देश अब सुरक्षित हाथों में है। जय हिंद, जय भारत।